बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार सातवीं बार संभालेंगे सूबे की कमान। आज शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी से 2 उप मुख्यमंत्री भी ले सकते हैं पद की शपथ। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के नाम की चर्चा। एनडीए में हर सात सीट पर 2 मंत्री का फॉर्मूला निकाला गया। कुल 16 मंत्री ले सकते हैं शपथ। 7 मंत्री बीजेपी से और 7 जेडीयू से ले सकते हैं शपथ। हम और वीआईपी का हो सकता है 1-1 मंत्री। जेडीयू से बिजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, विजय चौधरी ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। श्रवण कुमार और लेसी सिंह को भी मिल सकता है मौका। बीजेपी से नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार और मंगल पांडे हो सकते हैं मंत्री। हम से संतोष मांझी और वीआईपी से मुकेश सहनी ले सकते हैं शपथ। 2 डिप्टी सीएम की अटकलों के बीच सुशील मोदी ने ट्वीट में लिखा, कोई पद नहीं तो कम से कम कार्यकर्ता रहूंगा। सुशील मोदी ने पार्टी का जताया शुक्रिया, कहा बीजेपी और संघ ने काफी कुछ दिया। नीतीश की शपथ को लेकर आरजेडी ने घेरा, कहा छोटे भाई की भूमिका में आने के बाद भी मिला ताज। महागठबंधन की हार पर आरजेडी और कांग्रेस में तनातनी। शिवानंद तिवारी बोले, जीत में बाधा बन गई कांग्रेस। शिवानंद तिवारी ने कहा, 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ने 70 रैलियां भी नहीं की। शिवानंद तिवारी बोले, राहुल ने बस 3 दिन की रैली, प्रियंका तो आई ही नहीं। शिवानंद के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। प्रेमचंद मिश्रा बोले, तेजस्वी लगाएं शिवानंद पर लगाम, वो बीजेपी नेताओं की भाषा बोल रहे हैं, यह हमें मंजूर नहीं। शिवानंद तिवारी के आरोपों पर गिरिराज सिंह ने कसा तंज, ट्वीट में लिखा, शिवानंद जी तो राहुल को ओबामा से ज्यादा जानने लगे। राहुल गांधी पर संबित पात्रा ने भी कसा तंज, बोले वो पिकनिकिंग प्रेसिडेंट है। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई और दिग्गज नेता भी करेंगे शिरकत। नतीजों के बाद बिहार कांग्रेस में जारी है घमासान, अपनी ही पार्टी के खिलाफ धरने पर बैठे पार्टी के नेता। सदाकत आश्रम में दिया धरना, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, अखिलेश सिंह और शक्ति सिंह गोहिल का किया विरोध, टिकट बेचने का आरोप। महाराष्ट्र में आज से खुले सभी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में जुटे श्रद्धालु। मुंबई में श्रद्धालुओं के लिए आज से खुला सिद्धिविनायक का मंदिर, भक्तों का लगा तांता, लंबे अरसे बाद भक्त कर रहे हैं बप्पा के दर्शन। शिरडी में आज से खुला साईं दरबार, दर्शन के वक्त कोरोना नियमों का पालन। मुंबई में हाजी अली दरगाह भी जायरीनों के लिए खुली, कोरोना नियमों के साथ जियारत। आज से केरल के सबरीमला में मंदिर के खुले कपाट, 8 महीने बाद भगवान अयप्पा के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। आज बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे सीएम योगी, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी होंगे साथ। बद्रीनाथ में हुई बर्फबारी, बढ़ी ठंड, 19 नवंबर को बंद होंगे भगवान बद्रीनाथ के कपाट। केदारनाथ में हुई जोरदार बर्फबारी, आज से बंद हो जाएंगे केदारनाथ के कपाट, 6 महीने बाद खुलेगा मंदिर। कपाट बंद होने से पहले कल केदारनाथ पहुंचे थे योगी, भोले बाबा का लिया आशीर्वाद। गंगोत्री धाम में जोरदार बर्फबारी, बिछी बर्फीली सफेदी, आज से यमुनोत्री धाम के कपाट भी होंगे बंद। कोल्हापुर लाया गया शहीद ऋषिकेश जुंधाले का पार्थिव शरीर, श्रद्धांजलि देने उमड़ा जनसैलाब। नागपुर में शहीद नायक सताई भूषण रमेश राव को दी गई श्रद्धांजलि, जम्मू कश्मीर में सरहद पर पाकिस्तानी गोलाबारी में हुए थे शहीद। ऋषिकेश पहुंचा शहीद राकेश डोभाल का पार्थिव शरीर, पिता के पदचिन्हों पर चलती दिखी 10 साल की मासूम बेटी, भावुक जवानों का थपथपाया कांधा, पापा की तरह फौज में जाने की कही बात, दादी को दिया भरोसा। नाडिया लाया गया शहीद सुबोध घोष का पार्थिव शरीर, उरी में पाकिस्तानी गोलाबारी में हुए थे शहीद।
कोरोना से कराहती दिल्ली को बचाने के लिए केंद्र और राज्य ने झोंकी ताकत, गृहमंत्री के साथ केजरीवाल और एलजी की बैठक। बैठक में करीब 300 आईसीयू बेड बढ़ाने पर बनी सहमति, आरटीपीसीआर टेस्ट दोगुना करने को भी राजी। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कुछ कम, बीते 24 घंटे में 3200 नए केस, कुछ दिनों से 7 से 8 हजार केस आ रहे थे सामने। देश में 24 घंटे में सामने आए 30,000 से ज्यादा मामले, 435 मरीजों ने तोड़ा दम। इस साल के अंत में आ सकती है कोरोना वैक्सीन, बायोएनटेक कंपनी का दावा, 90% से ज्यादा रहा टेस्ट का रिजल्ट। खेती कानून के खिलाफ जारी है किसानों का धरना प्रदर्शन, सरकार के रवैये को लेकर नाराजगी। पंजाब के बरनाला में पूर्व सैनिकों का धरना प्रदर्शन, पेंशन कटौती को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी। मसूरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर हमला, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। बंगाल में बीजेपी की एक और मुहिम, मिदनापुर में महिला कार्यकर्ताओं को कराटे की ट्रेनिंग। छठ पर्व में कोरोना से बड़ी मुश्किल, झारखंड में सार्वजनिक तालाब, लेक, डैम, नदी पर अर्घ्य देने पर प्रतिबंध। चुनाव नतीजों को लेकर वॉशिंगटन में हिंसक झड़प की खबरें, आपस में भिड़ गए ट्रंप समर्थक और विरोधी। चुनाव नतीजों में धांधली पर ट्रंप समर्थकों ने वॉशिंगटन में किया मार्च, हजारों समर्थक उतरे सड़कों पर। लिबिया में डूबते शरणार्थी जहाज से एक महिला को बचाने का वीडियो वायरल, अपने बच्चे के खोने पर बिलख रही थी मां। फ्रांस में लॉकडाउन के नियमों में और सख्ती, कोरोना के तेजी से बढ़ते ग्राफ के बाद एक बार फिर लॉकडाउन। रोमानिया में कोविड अस्पताल में आग से हड़कंप, 10 मरीजों की मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।